शिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरबा सहित आसपास के नगरीय क्षेत्र के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सभी मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं दूध से अभिषेक किया जा रहा है तो कहीं भांग और धतूरे का भोग भी लगाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वाय मुक्ति वंदना मुक्ति मुचितम आमिता। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। ऐसे हम अभी मौजूद हैं SSCL मुड़ा पर स्थित मंदिर में, शिव मंदिर में। आप देख सकते हैं सुबह से ही लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, लोगों के दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आइए श्रद्धालु से बात करते हैं किस प्रकार की पूजा अर्चना की जाए। आज हमारे पृथ्वी के सबसे महा, हम लोग के हिंदू धर्म के सबसे बड़ा भगवान शिव शंकर जी का आज शिवरात्रि, उनका पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था और हमारे भोलेनाथ तीनों लोग के मालिक हैं, है ना। तो आज हम लोग इनका भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से। नाम क्या? विशेश्वर सिंह ठाकुर। अच्छा बताएंगे, आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है, किस प्रकार की पूजा अर्चना की जा रही है? आज यहाँ प्रातः 4 बजे से पूजा प्रारंभ हो चुका है और पूजा जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही भक्तों का आना जाना भी चालू हो गया है। आप देख ही रहे हैं सवेरे से यही हाल है, बड़ी संख्या में भक्त जन आ रहे हैं और भगवान। आज शिवरात्रि त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि मतलब साल में एक बार शिवरात्रि आते हैं और आज की मन्नत जो है, जो भी मन में जो रखते हैं सारा मन्नत पूरा होता है। महाशिवरात्रि का पर्व किस लिए मनाया जाता है? महाशिवरात्रि का इसलिए मनाया जाता है, ये जो है भोलेनाथ का जो है। रफ्तार मीडिया से कमलेश कुमार तिवारी।